नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, पाकिस्तान में अब वही होने जा रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा अब अपने रंग में उतर आए हैं। संभवतः बाजवा अभी तक जिस कड़वे घूंट को पीते आए हैं, अब उसे उगलने की घड़ी आ चुकी है। बाजवा सेना प्रमुख के उस पद पर तैनात है जो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर समझा जाता है। केवल सरकार ही नहीं, पाकिस्तानी तहमतबाज भी इस पद के सामने तशरीफ झुकाते हैं। इमरान सरकार के एक बयान के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। वैसे इस बयान के पीछे बाजवा द्वारा उनको चढ़ाया गया डंडा माना जा रहा है। इमरान ने कल ऐलान किया है कि कादियानों को सरकार पूरे अधिकार देने जा रही है। आने वाले वक्त में कादियान को देश की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, यानी इस समुदाय के लोग पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बन सकेंगे। इसके अलावा उन्हें धर्म का प्रचार करने, इस्तार लगाने, पूजा स्थल बनाने, अजान देने की भी पूरी आजादी दी जाएगी। यानी कोरोना वायरस में उलझे इमरान खान की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए बाजवा ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। एक ऐसा दांव जो पाकिस्तान के विखंडन का कारण बन सकता है। इमरान के बयान के साथ ही पाकिस्तान में हड़कंप मचना भी शुरू हो चुका है। यहाँ के कट्टरपंथी अब इसे आग बबूला होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने इमरान सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए जोखिम वाला फैसला है। इस फैसले के मायने भी बहुत बड़े हैं। इमरान द्वारा इसे लागू करने का मतलब है पाकिस्तान की बैंड बजने के बाद रुकने वाली नहीं है। खासतौर से बहुसंख्यक सुन्नी इमरान को चुन्नी उड़ाकर चलता कर सकते हैं। अब किसी को यह मामला सामान्य लग रहा हो तो उन्हें इसकी गंभीरता को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे की सफलता असफलता पर ही पाकिस्तान का वजूद निर्भर है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को कादियानी कहकर भी बुलाया जाता है। इसकी वजह यह है कि अहमदिया संप्रदाय की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। मिर्जा अहमद का जन्म भारत के पंजाब के कादियान स्थान पर हुआ था, जिस कारण इसे मानने वाले अहमदिया कादियानी कहे जाते हैं। पाकिस्तानी सुन्नी मुस्लिम इन्हें गैर मुस्लिम मानते हैं। उनकी नजर में यह लोग काफिर हैं। पाकिस्तान के चुनाव कानून के अनुसार उन्हें अलग वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट में गैर मुस्लिम के रूप में लिस्ट किया गया है। सितंबर 1974 में पाकिस्तान द्वारा संविधान संशोधन कर इन्हें गैर मुस्लिम घोषित किया जा चुका है। इसके बाद 1984 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के जरिए अहमदिया समुदाय के मुस्लिम कहने को अपराध घोषित कर दिया गया है। हाफिज सईद जैसे तैमन छाप भी अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ सक्रिय रहे हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इन्हें भारत का जासूस तक बताते हैं। यानी पाकिस्तान में अहमदिया का वही किरदार है जो यहूदियों का है। अब इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तानी मुल्लाओं में इनकी क्या अहमियत रही होगी, पर असली मामला तो इससे कहीं अधिक चौंकाने वाला है। पाक सेना के वर्तमान सेना प्रमुख खुद अहमदिया है। पिछले साल ही उन पर अपना धर्म छिपाने के आरोप लगे थे। कट्टरपंथियों ने तो यहां तक कहा था कि बालाकोट के पीछे बाजवा ने भारत की मुखबिरी की है। दरअसल पाकिस्तान के तमाम बड़े पदों पर किसी गैर मुस्लिम के लिए पाबंदी है। इसलिए सवाल आज भी उठते हैं कि कैसे गैर मुस्लिम सेना प्रमुख बन गया। पर बाजवा सेना प्रमुख ही नहीं बना, उसने एक बड़ा कारनामा भी कर दिया। इमरान द्वारा कादियों को अधिकार देने वाले बयान के पीछे बाजवा का ही दिमाग काम कर रहा है। कोरोना वायरस पर नाकामी की वजह से इमरान जनता के निशाने पर आए हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने सड़कों पर उतरकर मामला अपने हाथ में ले लिया है, जिसके बाद आशंका है कि बाजवा इमरान का पत्ता काट सकते हैं। ऐसे में इमरान और बाजवा के बीच किसी डील की बात भी खुलकर उठ रही है। दरअसल जनरल बाजवा इस दबाव का फायदा उठाने की फिराक में है। वह इमरान से कादियानों का अधिकार बहाली का कानून पारित करवाकर अपने समुदाय के लिए सत्ता के दरवाजे खोलना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, वह अहमदिया समुदाय को सभी नौकरियों और राजनीति में समान अधिकार दिलवाने की रणनीति बना रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अहमदिया को मुस्लिम माने या नहीं माने, उनका एकमात्र लक्ष्य है अपने समुदाय को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।